वला तनाफी बैनल इस्तिगराकी व इफरादिल इस्म लअन्नल हर्फा इन्नमा यदखुलु अलैही मुजर्रदन अन मानल वहदती व लअन्नहु बिमाना कुल्ली फर्दिन ला मजमूइल अफराद व लिहादम तना वस्फुहु बिनातिल जमई व बिल इज़ाफ़ती लअन्नहा अख़सरु तरीक़ नहवु हवाया मअर्रक बिल यमानीन मुसईदु मुसईदु कि मुसईदु मुसईदु होगा औ लितज़म्मुनहा ताज़ीमन लिशानिल मुज़ाफ़ी इलैहि अबिल मुज़ाफ़ी औ ग़ैरिहिमा कक़ौलिक अब्दी हदर व अब्दुल ख़लीफ़ति रकीब व अब्दुस सुल्तान इंदी औ तहक़ीरन नहवु बलदुल हज्जाम हाज़िर व अम्मा तनकीरहु फ़लिल इफ़रादी नहवु व जा रजुल मिन अक्सल मदीनत यसआ अबिन नौईयति नहवु व अला अबसारिहिम गिशावा अबित ताज़ीम अबित तहक़ीरी कक़ौलिही लहु हाजिबुन अन कुल्ली अम्रिन यशीनुहु व लैस लहु अन तालिबिल उर्फ हाजिबु अबित तकसीरी कक़ौलिहिम इन्न लहु लइबलं व इन्न लहु लगनमा अब तकलील नहवु व रिदवान मिन अल्लाह अकबर। चलें, मुस्नद इलैह को मारफा लाया जाता है कभी अलम के ज़रिए से, कभी ज़मीर के ज़रिए से, कभी इसमें मौसूल के ज़रिए से, है ना। और यहाँ बयान कर रहे हैं कभी अलिफ लाम तारीफ़ के ज़रिए से भी मुस्नद इलैह को क्या लाया जाता है, मारफा लाया था। उसकी कुछ वजूहात ऊपर बयान कर दी गई। अब उसी के तहत एक बात ये बयान कर रहे हैं कि अलिफ लाम जिस पर दाखिल होता है, अलिफ लाम जिस पर दाखिल होता है उससे कभी इस्तिगराक़े अफराद मुराद होते हैं। क्या मुराद होते हैं? इस्तिगराक़े तमाम अफराद। अब उसकी दो किस्में पढ़ी हमने, इस्तिगराक़े हकीकी और एक इस्तिगराक़े उर्फी। इसको बंद कर दीजिए। तो अलिफ लाम जिस पर दाखिल होता है उस पर एक इफादा ये माना का करता है कि उससे कुल अफराद मुराद लिए जाते हैं। कुल अफराद की दो सूरतें बयान की गई, हकीकी और हुक्मी। हुक्मी उर्फी, चले उर्फी, ठीक है, उर्फी से मुराद है उर्फ में जिसको कुल कहे। जैसे मैं यूँ कहूँ कुल तलबा हमारे पास बैठे हुए थे, तो दुनिया के कुल तलबा नहीं बल्कि मुराद उर्फन जो है। जब जामिया वाला कहे कुल तलबा तो सिर्फ इस जामिया के कुल तलबा, ये मुराद है। तो हकीक चाहे वो उर्फी हो या हकीकी हो। अब उसके बाद एक बात समझाने के लिए कह रहे हैं कि कुल अफराद में तो जमीयत है, एक से ज़्यादा, एक से ज़ायद का माना है। कुल अफराद तो एक से ज़्यादा है ना जी। कुल अफराद 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार, ये वाहिद से ज़्यादा है जी। तो एक लफ्ज़ जो वाहिद हो, तस्निया ना हो और जमा ना हो। रिजाल बोलकर कुल ले, रिजाल मुराद लेंगे, लेकिन अर रजुल बोलकर आप क्या बोल रहे हैं, कुल्ले रजुल मुराद ले। अर रजुल बोल करके क्या मुराद लिया जा सकता है, तो रजुल तो वाहिद है, उससे कुल रजुल, रजुल के तमाम अफराद कैसे मुराद लेंगे। तो इसका जवाब दिया कि इफराद में और इस्तिगराक में तनाफी नहीं है। क्या जवाब दे रहे हैं, इफराद में और इस्तिगराक में तनाफी नहीं, यानी लफ्ज़ का वाहिद होना, इस्म का वाहिद होना और उस वाहिद का इतलाक उसके तमाम अफराद पर होना, इसमें कोई तनाफी नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? तो जवाब ये दिया कि एक है तमाम अफराद को जो मुराद लिया जाए ना, तो एक ये है कि जमीए अफराद मुराद लिए जाए और एक है कुल्ले फर्द मुराद लिए जाए। क्या मुराद लिए जाए? कुल्ले फर्द मुराद लिए जाए। कुल्ले फर्द, तमामियत को दो तरीके से बयान किया जाता है, अला सबील इज्तिमा तमामियत और अला सबील इन्फिराद तमामियत, या अला सबील अफराद जी, अला सबील इज्तिमा और अला सबील इन्फिराद, अला सबील इज्तिमा और अला सबील इन्फिराद। वो तमाम तलबा जो यहाँ आएंगे मैं उसको 100 रुपये दूंगा, और आए 10 तलबा तो सबको कितना देना पड़ेगा मुझे, 10-10। वो हर एक तलबा जो यहाँ आएंगे मैं उसको 100 रुपये दूंगा, मुझे कितना देना पड़ेगा, 1,000 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 1,000। हर एक तलबा जो यहाँ आएंगे और तमाम तलबा जो यहाँ आएंगे, दोनों में फ़र्क है ना जी। हर एक अला सबील इन्फिराद है कि एक एक करके, एक एक करके। ऐसे ही वाहिद का लफ्ज़ रजुल से अर रजुल जब बनाते हैं और अर रजुल से क्या मुराद लेते हैं, तमाम,
تو جمعیت کے طور پر تمام نہیں بلکہ کس طور پر؟ انفرادی طور پر تمام، کہ یہ بھی الرجل ہے، یہ بھی الرجل ہے، یہ بھی الرجل، ایک ایک کر کے تمام افراد مراد لیتے ہیں۔ تو اس لیے استغراق میں اور افراد اسم یعنی اسم کے واحد ہونے میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی واحد لفظ پر الف لام استغراقی داخل کرتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے ذہنی طور پر ہی ہم اس سے وحدت کا معنی ختم کر دیتے ہیں۔ کس کا معنی ختم کر دیتے ہیں؟ وحدت کا معنی، اس کو وحدت کے معنی سے اس کی تجرید کر لیتے ہیں، اس لیے اس میں تمام کا معنی آ جاتا ہے، ہر ایک فرد کا معنی آ جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ایک بیان کیا، اس کو دیکھیے، کہتے ولا تنافی بین الاستغراقی و افراد الاسم، اسم کے واحد ہونے اور استغراق کے درمیان کوئی تنافی نہیں۔ کیوں؟ لأن الحرف، اس لیے کہ الف لام تعریف کا حرف تعریف، انما يدخل علیہ، اس واحد لفظ پر داخل ہوتا ہے، کیسے؟ مجردا عن معنى الوحدتی، اس حال میں کہ اس واحد لفظ کو وحدت کے معنی سے کیا کر لیا جاتا ہے، خالی کر لیا جاتا ہے۔ دوسری دلیل والے انہ بمعنی کل فرد، اور اس لیے کہ وہ کل فرد کے معنی میں ہے، لا مجموعی الافراد، تمام افراد کے معنی میں نہیں۔ کل فرد کا معنی الگ ہے، تمام افراد کا معنی الگ ہے۔ ایک ہے میں تمام افراد کو 100 روپے دوں گا، اور ایک ہے کل فرد کو میں 100 روپے دوں گا۔ تو 10 لوگ آئے تو پہلے جملے میں اگر کسی نے کہا خدا کی قسم میں تمام افراد کو 100 روپے دوں گا، جمیع افراد کو 100 روپے دوں گا، تو چاہے 100 آ جائے یا 1000 آ جائے، سب کو دے دیں گے، اور وہ برابر برابر کیا کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ اور اگر میں نے کہا کل فرد کو 100 روپے دوں گا تو 10 لوگ آئے تو 1000 دینا پڑے گا، اور 1000 لوگ آئے تو 1000 100 کی جو ہے وہ 100 کے نوٹ سب کو دینا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہ رہی ہے؟ تو کل فرد کا معنی الگ ہوتا ہے اور جمیع افراد کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الف لام جب داخل ہوتا ہے مفرد لفظ پر تو وہاں جمیع افراد مراد نہیں بلکہ کل فرد مراد، اور کل فرد واحد ہے، ہر ایک اپنی جگہ کیا ہے، واحد ہے۔ ولا بمانا کل ولی انہ بمانا کل فرد، اور اس لیے کہ یہ کل فرد کے معنی میں ہے، لا مجموعی الافراد مجموعی افراد کے معنی میں نہیں ہے۔ دلیل کہتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ اگر یہ مجموعی افراد کے معنی میں ہوتا تو واحد لفظ جس پر الف لام داخل ہوا اس کی صفت جمع سے لانا جائز ہو جاتا، اور یوں کہنا جائز ہوتا الرجل العالمون، کیا جائز ہوتا؟ کیونکہ الرجل سے جمیع رجل مراد ہے نا، تو جمیع رجل ایک عالم نہیں ہوں گے، جمیع رجل کیا ہوں گے؟ عالمون ہوں گے۔ لیکن ہر مرد بہت سارے عالم ہے کیا؟ یہ ایک مرد ہے عالم ہے، کیا عالمون ہے؟ یہ دوسرا مرد ہے عالمون نہیں بلکہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو اس لیے واحد لفظ پر الف لام استغراقی جب داخل ہوتا ہے تو اس کی صفت کو جمع لانا درست نہیں بلکہ اس کی صفت کیا لائی جاتی ہے؟ واحد لائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استغراق پر وہ دلالت کرتا تو ہے لیکن علی سبیل الاجتماع نہیں بلکہ علی سبیل الانفراد۔ کہتے ہیں ولہذا تنع وصفہ بنعت الجمعی، اسی لیے ممتنع ہے اس کی صفت کو کیسے لانا؟ جمع کے ساتھ لانا، یہ ممتنع ہے۔ یہاں تک جو ہے مسند علیہ کو الف لام کے ذریعے معرفہ لانے کی وجہ مکمل ہو گئی، وجہ والی بحث مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں وبالاضافتی، اور کبھی کبھی مسند علیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے کیسے؟ اضافت کے ذریعے، مضاف علیہ ہے نا قسم، مضاف اضافت معرفہ کی قسم ہے، یعنی معرفہ کی کسی بھی قسم کی طرف جب مضاف کر دیا جائے، یہ شرط ہے، مضاف معرفہ کب ہوگا؟ جب اس کی اضافت کدھر کی جائے؟ معرفہ کی طرف۔ اگر جو ہے نکرہ کی طرف مضاف بنایا جائے تو معرفہ ہوگا کیا؟ جیسے غلام معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ ہے۔ غلام کی اضافت اگر زید کی طرف کر دے، غلام زید، تو اب غلام کیا ہو گیا؟ اور رجل معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ ہے۔ اب اس کی طرف اضافت کرتے ہوں کہ غلام رجل، یہ نکرہ مخصوصہ ہوگا۔ بس مخصوصہ کا مطلب یہ ہے کہ غلام کے افراد میں کچھ کمی ہو جائے گی، تقلیل افراد کا مطلب ہے تخصیص۔ تخصیص کا مطلب کیا ہے؟ افراد میں کمی واقع کر دینا، بس کہ پہلے غلام
100 गुलाम थे, 50 गुलाम मर्द के थे, 50 गुलाम औरत के थे। तो जब मैंने कहा रही तू गुलामन, मैंने गुलाम को देखा तो ताइन नहीं हो पाई कि औरत के गुलाम को देखा के मर्द के गुलाम। अगर यूं कह दिया रही तू गुलामा रजुलिन तो कितने गुलाम की चटाई हो गई? 50 की चटाई हो गई। तो अफराद में कमी वाक़ कर देने का नाम है तख़सीस। तख़सीस का मतलब खसूसियत नहीं समझना, बल्कि क्या समझना है? अफराद में क्या कर देना? कमी कर देना, किल्लत कर देना, कम तकलील कर देना, इसका नाम है तख़सीस। तो इसीलिए कहते हैं ये जायज़ नहीं। ये तो हुआ कि इस्म को अगर नकरा की तरफ मज़ाफ किया जाए तो वो मारफा नहीं होता, बल्कि क्या रहता है? नकरा ही रहता है। सिर्फ क्या बन जाता है? नकरा मखसूसा बन जाता है। लेकिन मारफा की तरफ जब इस्म को मज़ाफ कर दिया जाए, कलमुन नकरा और कलमी, क्या माना हो जाएगा? मेरा कलम मुतय्यन हो गया जी। कलमु ज़ैद, ज़ैद का कलम मुतय्यन हो गया। कलमुल लज़ी हुवा आलिम, उस आदमी का कलम जो आलिम है, कलम क्या हो गया? मुतय्यन हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है जी? इस तरह से तो मारफा को, मुस्नद इलैह को इजाफत के ज़रिए से भी मारफा लाया जाता है। और इसके मकासद चंद हैं। पहला तो मकसद ये होता है कि अगर वहाँ पे इजाफत का इस्तेमाल ना किया जाता मुस्नद इलैह में, मुस्नद इलैह को बतौर मुजाफ के ना लाया जाता, तो इबारत ज़्यादा लंबी हो जाती। क्या होती? तो इबारत की क्या बोलते हैं, तूले इबारत से बचने के लिए और इबारत में इख्तिसार पैदा करने के लिए मुस्नद इलैह को क्या लाया जाता है? इजाफत के ज़रिए लाया जाता है। जैसे यहाँ मिसाल दी हुई है, एक शायर का शेर है। वो शेर का पसे मंज़र ये है कि वो जो है अपने महबूबा के साथ सफ़र कर रहा था, किसी इलाके में गया और इसने गुस्से में एक आदमी को मारने का इस पर इल्ज़ाम आ गया, मारा होगा नहीं मारा होगा, और इसको क़ैद कर लिया गया। उस शख्स को क्या कर लिया गया? क़ैद कर लिया गया। अब ये जेल में, और वो काफ़िला तो रुक नहीं सकता, ट्रेन रुकती है क्या? नहीं। आप यहाँ से बम्बई जा रहे हैं और पूना में कुछ आपके साथ हादसा हो गया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो जो काफ़िला वो कहाँ चला जाएगा? बम्बई। और आप वहाँ रुक जाएंगे जेल में। तो ये जो है नीचे का मिसरा जो है नीचे दिया होगा, देखें दूसरा मिसरा कहाँ गई वो इबारत, कहाँ है? ये जाफर बिन इलिया का ये कौल है, मक्का में कैद कर लेगा। वो पूरा शेर क्या है वो, कहाँ है वो शेर? चले वो, इससे पहले वो शेर उन्होंने पढ़ा। हाँ, जनीबुन वह जुस्मानी होगा, जुस्मानुन पढ़ रहे हैं क्या? जुस्मानुन कहाँ पढ़े आपने? हाफिज साहब की तरह हिफ्ज कर लिया है क्या? वह जुस्मानी के बाद बिमक्कता मुसर, ठीक है, बिमक्कता मुअसली, गलत गलत याद करके रखे हुए हैं क्या? कहाँ याद किया आपने? हाँ, बेमक्कता मुअसली, मतलब ये होगा जुस्मानी, माना हमारा जिस्म, जीम सा मीम से जुस्मानी, जुस्मानुन्नी, मेरा जिस्म मक्का में जो है मुअसल कैद है। क्या है? कैद कर लिया गया है। और मेरा जो महबूब हवाया, यहाँ पे असल जो इस्तिशाद है वो हवाया से है। हवाया, हवा जो है मस्दर है, वो हज़रत को खड़ा कर दीजिए। वो पता ही नहीं कि मेरी तरफ इशारा है जी, आप खड़े हो जाइए, नींद आ रही है आपको। हवा क्या है? मस्दर है। इसका मतलब ख्वाहिश, मोहब्बत, ठीक है। और जिससे मोहब्बत की जाए वो महवी है। क्या है? महवी, ठीक है। या मस्दर इसमें मफूल के माना में, हवा बमाना क्या है? महवी। अगर यूं कहते अल्लज़ी हवैतुहू या अल्लज़ी अहवाहू, वो के जिससे मैं क्या करता हूँ? महब्बत करता हूँ। मार रकबिल यमानीन, रकब जो है राकिब की जमा, रकब किसकी जमा? राकिब का माना सवार, जो सवारी पर जा रहा है। यमानीन, यमानी वाहिद, उसकी जमा सालिम यमानीन,
हालत नसब में, नसब जर में या हालत जर में है, ठीक है जी। यमानी मतलब यमनी मुसाफिरों के साथ मुसईदू चढ़ा हुआ है, सफ़र पर है, जा रहा है, ठीक है। माना मेरा महबूब जो है यमनी मुसाफिरों के साथ क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, जा रहा है। वह जुस्मा आगे क्या है, वो जनीबुन, हाँ जा रहा है, हम नशी होकर के। वह जुस्मानी भी मक्का मुअस्सली, और मेरा जिस्म जो है मक्का में मुकैद है। ये वो दूसरा मिसरा का मफहूम होगा। खैर, यहाँ पे हवा मुजाफ है और याए मुतकल्लिम क्या है, मुजाफ इलै, याए मुतकल्लिम मुजाफ इलै। हवा मसदर है और ये मसदर किस माना में है, महवी के माना में, समझते जाइए, किस माना में है, महवी के। जैसे हदा से महदी आता ना, हदा से इसमें मफूल महदी, ऐसे हवा से महवी इसमें मफूल के माना, मसदर इसमें मफूल के माना में है। और मसदर की इजाफत किधर की गई है, या की तरफ। अगर मेरे महबूब या मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, इसको लाने का तरीका ये था कि अल्लज़ी अहवाहू कहता, क्या कहता, अल्लज़ी अहवाहू, लेकिन अल्लज़ी अहवाहू का इबारत क्या हो जाती, लंबी हो जाती, ठीक है। इसलिए सीधा क्या किया उसने, हवाया कहकर जो है मुजाफ बना दिया, और उसको मुजाफले बना दिया, और मकसूद भी हासिल हो गया, इबारत कम लगी। तो इख्तिसार के तहत यहाँ पर मुस्नद इलैह को कैसे लाया गया है, इजाफत के जरिए मारफा लाया गया है। दूसरी वजह यह होती है कि इजाफत जो है मुजाफ इलैह या मुजाफ या इन दोनों के अलावा किसी तीसरी चीज़ की अजमत शान को बयान करने के लिए होती है। इजाफत किस लिए होती है, हाँ इजाफत कभी कभी किस लिए होती है, बोलिए, अजमत शान के लिए भी होती है जनाब, अजमत शान के लिए। अल्लाह तबारक व ताला जो है मालिक दुनिया भी है, मालिक दीन भी है, लेकिन कुरान पाक में फरमाया मालिक यौमिद्दीन, क्या फरमाया, योम दीन की अहमियत बतलाने के लिए, है कि नहीं। तो कभी क्या होता है इजाफत इसलिए लाई जाती है ताकि मुजाफ की अहमियत समझ में आए, किसकी, मुजाफ की अहमियत। ये कहाँ का खजूर है, मदीने का खजूर है, कहाँ का खजूर है, मदीने का खजूर। तो किसकी अहमियत बताई गई, अरे खजूर नदवा का भी हो सकता था ना, लेकिन क्या कहा, मदीने का खजूर, है कि नहीं। कोई शख्स है कहाँ से आया, अजमेर शरीफ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा, ये आने वाला, हाँ कहाँ का मेहमान, अजमेर का मेहमान है, तो मेहमान की इज्जत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। और कहाँ का है, तो गंगोह का है, नाम ही जो है मनहूस जैसा लगता है कि नहीं। अब कोई गंगो का तो वो नाराज ना हो, बस ये कीजिए को छोड़ के दूसरी जगह घर बसा लीजिए आप, वहाँ बहुत मनहूस आदमी गुजरा है कि नहीं। खैर, तो इजाफत के जरिए से कभी मुजाफ इलैह की शान बतानी मकसूद होती, किसकी, मुजाफ इलैह की, हाँ, और कभी मुजाफ की, और कभी मुजाफ मुजाफ किसी और की। जैसे यहाँ तीन मिसालें दी है, अब्दी हजर, अब्दुल खलीफा रकीबा, और अब्दुल सुल्तान इंदी। अब्दी हजरा, मेरा गुलाम हाजिर है, ये खुद अपनी शान बता रहा है कि ये जनाब मेरी वो शख्सियत है, मेरी कार आ गई। अच्छा आपकी कार है कि नहीं, कार आ गई नहीं बोलेगा वो, किसने क्या बोलेगा, वो कार की अजमत नहीं बता रहा है बल्कि किसकी अजमत बता रहा है, अपनी अजमत बयान कर रहा है कि मुझे जो है ना तुम जो है ना अरे गहरे नत्तु खरे मत समझो, मेरे पास भी कार है कि नहीं, ये मेरी कार है। यहाँ पे अपनी अजमत बयान कर रहा है। मुरीद अगर कहे कि ये मेरे पीर साहब हैं, तो पीर साहब की अजमत बयान कर रहे हैं क्या, नहीं, अपनी अजमत बयान कर रहे हैं, बस समझ में। और पीर साहब बोले कि ये मेरा मुरीद है, तो बाकी क्या दूसरे का मुरीद है, तो यहाँ पे मुरीद की अजमत बयान हो रही है। जी। और कभी कभी इसके खिलाफ होता है, आलिम बेटा है और बाप नॉर्मल है, तो कहता है कि मैं इसका बाप हूं, जी। क्या बोलता है, मैं इसका बाप, हाँ अबू अना अबू, तो यहाँ पे बाप अपनी अजमत बयान कर रहा है, बात समझ में नहीं आ रही है। जी। और कभी कभी क्या होता है कि ना मुजाफ ना मुजाफ ले बल्कि किसी तीसरी चीज की शान बयान करना मकसूद होता है। जैसे कहे, कोई कहे, कोई यूं कहे कि वो फलां साहब जो है ना
कराची के जो आलिम साहब हैं मेरे घर में ठहरे हैं। यहाँ घर की अजमत बयान करना मकसूद है कि किसी घर में नहीं ठहरे। और घर ना यहाँ तरकीब एतबार से मुजाफ है और ना मुजाफ है कि नहीं, बात समझ में करिए। जैसे हुजूर की ऊँटनी मेरे घर बैठी है, अय्यूब अंसारी घर में बैठी ना, तो हुजूर की ऊँटनी वो बयान करते थे, हुजूर की ऊँटनी जब मदीना तशरीफ लाए तो मेरे घर बैठी थी, मेरे घर के पास ही रुकी थी। तो इसमें ऊँट हुजूर मुजाफिल है और ऊँटनी मुजाफ है तरकीबी एतबार से ना, तो यहाँ दोनों में किसी की अजमत बयान करना मकसूद नहीं बल्कि अपने घर की अहमियत और अजमत बयान करना मकसूद है कि मेरा ही वो खुशकिस्मत घर है कि जहाँ पर हुजूर की ऊँटनी आकर बैठी थी। इस तरह से कभी कभी मुजाफ मुजाफिले के अलावा किसी और तीसरी चीज़ की भी अजमत बयान कर, और कभी जो है हिकारत बयान करना मकसूद होती है। क्या बयान करना मकसूद होती है? हिकारत बयान करना मकसूद होती है, कहाँ की चीज़ है तो बोले यार फला जगह की है कि नहीं, ऐसा है। देखिए कहते हैं औल तजम्मुनहा हाज़मिर का मरजा इजाफत, या इजाफत मुश्तमिल होती है, लफ्ज़ी माना होगा इजाफत के मुश्तमिल होने की वजह से, किस चीज़ को मुश्तमिल, ताज़ीमन लिशानिल मुज़ाफ़ी इलैही, मुज़ाफ़ इलैही की अजमत शान पर, अविल मुज़ाफ़ी या मुज़ाफ़ की अजमत शान पर, औ गैरहिमा इंद्रों के अलावा किसी और चीज़ की अजमत शान पर, कौल का जैसे अब्दी हज़र मेरा गुलाम आ चुका, अब्दुल खलीफा रकेबा खलीफा का गुलाम सवार हो रहा है, तो यहाँ किसकी शान है? अरे गुलाम की ना भैया, कि गुलाम किसका है? खलीफा का। और तीसरी चीज जिसमें ना इजाफत मुजाफ मुजाफ नहीं बल्कि तीसरे किसी और चीज की शान मकसूद है, अब्दुल सुल्तान इंदी सुल्तान का गुलाम मेरे पास है, औ तहकीरन या किस लिए हिकारत के तौर पर, मफहूम वाज़ेह इसलिए मैं समझा पढ़ाते जा रहा हूँ, नहव वलदुल हज्जाम हाज़िर नाई का लड़का आ गया है। उस जमाने में नाई जो है ये पेशा थोड़ा सा घटिया था, अभी जो है नाई का पेशा घटिया ना रहा, समझा, अभी तो मतलब जो है क्या बोलेंगे ड्यूटी पानी करने वाले से अच्छा पेशा हो गया नाई का पेशा, सलून जिसको बोलते हैं, मेंस वेयर, क्या नहीं मेंस वेयर नहीं क्या बोलते हैं, हेयर मेंस हाँ हेयर ड्रेसर, अंग्रेजी नाम दे दे करके जो है ना उसको अच्छा कर दिया। खैर अच्छा, उसके बाद कहते अम्मा तनकीर हु, यहाँ तक जो है तारीफ वाली जो हालत है मुस्नद इलैह की, तारीफ मारफा लाने की हालत, तारीफ से मुराद क्या मारफा, मुस्नद इलैह को मारफा लाने की जो हालत है, अहवाल मुस्नद इलैह की में से एक हालत है मुस्नद इलैह को क्या लाना, वो यहाँ तक बहस हो गई मुकम्मल। अब कहते हैं कभी मुस्नद इलैह को नकरा भी लाया जाता है, क्या लाया जाता है, कभी आप कहते हो जा अनी रजुलुन, कभी आप कहते हो जा अनी रजुल, है कि नहीं, तो मुस्नद इलैह को नकरा लाने की वजह तरजीह क्या होती है, तो चंद वजूहात बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि वम्मा तनकीर हु फलिल इफराद, और मुस्नद इलैह को नकरा लाने की एक वजह होती है इफराद के लिए, यानी एक चीज़ एक फ़र्द को बयान करना मकसूद होता है, किसको बयान करना मकसूद होता है, एक फर्द को बयान। जैसे कुरान पाक में वजा रजुल मिन अक्सल मदीना रजुल यस वजा रजुल, दोनों आया था ना, वजा रजुल मिन अक्सल मदीना यसा, ऐसा भी है, यही तो मैं पढ़ रहा ना, हाँ सूरह यासिन में ऐसी है ना, वजा मिन अक्सल मदीना रजुल रजुल, इस तरह से है सूरह यासिन में, कैसे है रजुल यसा, ऐसे है ना, और ये दूसरी आयत की सूरह है क्या, दूसरी सूरह की आयत की है क्या, अच्छा ठीक है, हाँ इसलिए कन्फ्यूज हो गया मैं, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा ना, किस सूरह से, ये अच्छा वहाँ दी गई है आयत 20, पारा 20 है क्या, आयत 20 है वो, सूरह कसस 20 से पारा में, हाफिज साहब कहाँ है यहाँ पे, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो है जा रजुलुन में रजुलुन को देखिए नकरा लाया गया है जी। ये बताने के लिए कि मर्द एक ही था, एक से ज्यादा इफराद के लिए, और दूसरा मकसद कहते हैं कि अभी नौईयत या उस मुस्नद इलैह की एक खास किस्म की तरफ इशारा करने के लिए मुस्नद इलैह को क्या लाया जाता है, नकरा लाया जाता है, खलक़तहु मिन माइन व खलक़तनी मिन तीन, तूने उसे पानी से पैदा किया और मुझे उल्टा बोल दिया मैंने, खलक़तहु मिन खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, औ कमा क़ाल लका याद
اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا, تو وہ تینن جو ہے نا وہ یہ نوعیت بیان کریں گے, خاص قسم کی مٹی اور خاص قسم کے پانی سے پیدا کیا. ایسے یہاں پر فرمایا گیا منافقوں کے بارے میں, کافروں کے بارے میں, وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, اور ان کی آنکھوں پر ڈھکن ہے. تو یہ ڈھکن جو ہے نا وہ برتن الومینیم والا نہیں ہے, ہے نا, یہ خاص قسم کا ڈھکن ہے, اور وہ ناسمجھی کا ڈھکن ہے نا جی, دیکھ کر کے بھی کسی کو سمجھ نہ سکے. تو ڈھکن سے مراد وہ نہیں ہے کہ واقعی جو ہے جتنے کافر ہیں سب اندھے ہیں, یہ صحیح ہے کہ جتنے کافر ہیں سب اندھے ہیں, لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ سب اندھے ہیں. اندھا کا معنی کچھ اور ہے وہاں پہ, ہے کہ نہیں؟ اندھا معنی حقیقی کے اعتبار سے درست نہیں ہے, اس کا کچھ اور معنی ہے کہ جو حق کو نہ دیکھ سکے, دیکھے تو اس کو سمجھ نہ سکے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر کہا فرمایا گیا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ, ان کی نگاہوں پر پردے ہیں. تو پردہ سے مراد خاص قسم کا پردے کی ایک نوعیت مراد ہے. تو نوعیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لایا گیا نکرہ کو. تیسرا مقصد ہے ابھی تعظیمی ابھی تحقیر, یا عظمت اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے نکرہ لایا جاتا ہے. مسند لفظ کیا لایا جاتا ہے؟ نکرہ لانے کی وجہ ہوتی ہے بڑائی بیان کرنا, ابھی تحقیر یا حقارت کے لیے. کا قولی ہی, جیسے اللہ کا, جیسے شاعر کا یہ شعر ہے, لہو حاجب ان کل امر یشینہ ولیس لہو ان طالب العرف حاجب. دیکھیں حاجب دونوں جگہ استعمال ہوا ہے نکرہ. لہو حاجب ان کل امر یشینہ شان یشینہ الشان ان الشان اکا ہو الابتر, برا بھلا کہنے والا. اور شانہ یشینو کا ایک معنی ہوتا ہے عیب لگانا. کیا معنی ہوتا ہے؟ عیب لگانا. یشینو ہو معنی ہوا اس کو جو عیب لگائے, اس کو جو عیب لگائے. اور کل امر ان ہر وہ بات, یشینو جو اسے کیا کرے؟ عیب لگائے. عیب لگائے ہر وہ بات جو اسے عیب لگائے, اس سے لہو حاجبن. کیا ہے؟ روکنے والی بڑی بڑی چیزیں ہیں. لہو حاجب, حاجب کا آڑ, پردہ, روکنے والی چیزیں, اڑچن. ٹھیک ہے, لہو حاجب ان کل امر یشینہ, اس کو روکنے والی بڑی بڑی چیزیں ہیں ہر ایسی بات سے جو بات اس کو کیا کرے؟ عیب لگائے. یعنی میرا بادشاہ ایسا ہے کہ جس کو عیب لگانے والی باتوں سے روکنے والی بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں, بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں حاجب کے طور پر. تو حاجب کے بڑپن کو بیان کیا گیا یہاں پہ. عالم ہے, عالم بھی بولتے ہیں کہ اس کی برائی مت کرو, عوام بولتی ہے اس کی برائی مت کرو, حاکم بولتے ہیں اس کی برائی, یہ بڑے بڑے لوگ اس کی برائی کرنے سے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. اور کس چیز سے نہیں روکتے ہیں؟ وَلَيْسَ لَهُ عَلَىٰ طَالِبِ الْعُرْفِ, طالب عرف یعنی مانگنے والا, بخشش مانگنے والا. طالب عرف کا معنی, لیکن جب بادشاہ کے پاس کوئی ہاتھ پھیلا کر مانگنے والا آتا ہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دینے سے بادشاہ کو روکتی نہیں ہے کہ سر مت دیجئے. نہیں, جب دینے پاتا ہے تو سب کو دیتا ہے, کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی ان کو روکتی نہیں ہے. تو بھکاریوں کو دینے میں اتنا ماہر ہے کہ کوئی روکنے والی چیز ہے ہی نہیں. لیکن جہاں تک اس کی برائی اور عیب کی بات ہے تو عیب سے روکنے والی بڑی بڑی چیزیں کیا ہے؟ تو ایک حاجب میں جو نکرہ لایا گیا ہے, ایک حاجب کو بطور تعظیم کے, اور ایک حاجب کو نکرہ لایا گیا بطور تحقیر کے. معنی ہوگا بڑی اس کے ہر ایسی بات جو اس کو عیب لگائے, اس سے روکنے والی بڑی بڑی چیزیں اس کے لیے ہے, لیکن مانگنے والوں کے لیے اس کو, اس مانگنے والوں سے روکنے والی چھوٹی چھوٹی چیز بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ لہو حاجب, اس کے لیے روکنے والی چیزیں ہیں بڑی بڑی. یہ بڑی بڑی میں نے ترجمہ لگایا عظمت شان تعظیم کی وجہ سے. ان کل امر یشین ہو ہر ایسی بات سے جو اس کو کیا کرے. وَلَيْسَ لَهُ أَن طَالِبَ الْعُرْفِ حَاجِبٌ, لیکن بخشش طلب کرنے والوں سے اس کے لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی روکنے والی نہیں. ابھی تقصیری یا کثرت کو بیان کرنے کے لیے نکرہ کو مسند لے کے نکرہ لایا جاتا, کس لیے؟ اس کے تعدد کثرت کو بیان کرنے کے لیے. جیسے عربی لوگ کہتے ہیں ان لہ لبلاؤں و ان لہ لغنما, اس کے بہت سارے اونٹ ہیں, اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں. تو ابلن نکرا, غنمن نکرا, اس کے پاس بہت ساری بھیڑ بکریاں, غنم کا معنی.
अभी तकलील या कमी बयान करने के लिए, नखरा किस लिए लाया जाता है? कमी बयान करने के लिए। रिजवानु मिनल्लाह अकबर, अल्लाह की थोड़ी रिजामंदी भी काफी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो रिजवानु नखरा है यहाँ पे तकलील के लिए। वक़द जाअ लित्ताज़ीम व तकसीर, और कभी कभी क्या होता है ताज़ीम और प्लस तकसीर, यानी उस चीज़ को बड़ा बताने के लिए और उस चीज़ में कसरत दिखाने के लिए भी मुस्नद इलैह को क्या लाया जाता है। जैसे व इन युकद्दिबूका फ़कत कुज़्ज़िबत रुसुलुन, रुसुलुन से मुराद बहुत सारे रसूल, रसूल से मुराद तकसीर, और रसूल से मुराद बड़े बड़े अजीम बड़े बड़े रसूल। तो यहाँ ताज़ीम भी है साथ साथ तकसीर भी है। ऐ ज़बू अददिन कसीर, यानी बड़ी बड़ी तादाद वाले, व आयातिन इज़ाम, और बड़ी 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 निशानियों वाले रसूल। यहाँ पे ताज़ीम भी है साथ ही साथ तकसीर भी है। वमिन तनकीर गैर ही लिल अफराद वन नौईयत, इसको इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। सल्लु अलैल हबीब।